यहाँ पे कैंप में बैठे हैं हमारे हॉस्टल्स वीसी साहब ने सील कर दिए हैं, वाइस चांसलर नकीबुल्ला चकजी साहब ने। बोलान मेडिकल कॉलेज के जो बाहर हॉस्टल्स हैं उनकी तादाद चार है। एक रेलवे हॉस्टल है गर्ल्स के लिए जॉइंट रोड पे है, एक लेडी हॉस्टल है यहीं पे बरूरी रोड पे है, एक बाचा खान हॉस्टल है और एक फॉरेनर्स के लिए यूनिवर्सिटी में एक हॉस्टल है। ये चार हॉस्टल्स हैं बोलान मेडिकल कॉलेज के नाम पे, और इनकी जो ये प्राइवेट हॉस्टल्स हैं और इनका किराया भी हमेशा से कॉलेज अदा करती है। लेकिन यूनिवर्सिटी बनने के बाद वाइस चांसलर साहब ने ये फैसला किया कि उन कॉलेजेस को बंद करने का फैसला, उन हॉस्टल्स को बंद करने का फैसला किया है। पहले आउटसाइडर्स का बहाना किया गया तो हमने कहा हम आउटसाइडर्स खुद निकाल देंगे, हम आपके साथ हैं। फिर हॉस्टल अलाटमेंट्स का बहाना किया गया, 6 अगस्त को हम वाइस चांसलर साहब से मिले हैं, उसने कहा कि अलाटमेंट्स मुकम्मल हो चुकी है, जस्ट हमने लिस्ट लगानी है। और हमने कहा आज तक बोलान मेडिकल कॉलेज ईद पे बंद नहीं हुई है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर जो फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं और कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं और मकरान के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलहदा बंदोबस्त किया जाए, मगर ईद पे मकरान के स्टूडेंट्स के लिए अलहदा बंदोबस्त नहीं की गई और यहाँ पर होटल्स भी बंद थे, तालिब इलम जलील ख्वार हुए सड़कों पर। फिर हमें 18 तारीख को कॉलेज खोलने का नोटिफिकेशन आया और हमें यहाँ बुलाया गया कि 20 तारीख को आपका इंटरव्यू है रूम्स अलाटमेंट के हवाले से। तकरीबन 600 से अबव लड़के बलोचिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, वो इंटरव्यू देने आए हैं, मगर वाइस चांसलर साहब ने इंटरव्यू कैंसिल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे तलबा बाहर जलील ख्वार हैं, हम एफर्ड नहीं कर सकते हैं बाहर। हम कैंप इसलिए लगाया, पहले हमारा स्ट्राइक नहीं था, हमने कैंप इसलिए लगाया कि हमें एक जगह मिले रात को सोने के लिए और दिन को यहाँ पे बैठने के लिए, ताकि हमारा ऐसा हम यहाँ पे घर की तौर पे हम यहीं पे रहें। हमने कहा कि हम कैंप अंदर लगाएंगे, मगर वाइस चांसलर साहब ने अंदर लगाने नहीं दिया। तो अभी हमने स्ट्राइक किया है, स्ट्राइक का जो मेन फंडामेंटल डिमांड्स हैं वो पहला ये है कि हमारे हॉस्टल्स खोल दिए जाएँगे, और दूसरा जो डिमांड है वो प्राइवेट हॉस्टल्स बंद नहीं किए जाएंगे। लियाकत शाहवानी साहब आए हैं और गवर्नमेंट ख़ुद कह रही है जब हम आपको पे कर रहे हैं किराया उस बाहर के हॉस्टल्स का, तो आप सेविंग क्यों करना चाहते हैं वाइस चांसलर साहब से, और वो गवर्नमेंट की बात भी नहीं मान रही हैं। इसके बाद कल एक वीडियो जारी करते हैं जिस पे हम स्टूडेंट्स पे मुख्तलिफ घनौना इल्ज़ामात लगाते हैं। उनमें से चंद इल्ज़ामात ये हैं कि हम ड्रग डीलर्स हैं, हम एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं, और ये कहा इस कैंप में स्टूडेंट्स नहीं गैर मुतल्लिका अशख़ास बैठे हैं। पहली बात यह है कि इस पर एंटी स्टेट और ड्रग डीलिंग वाली बात पे हम अभी इंशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हर उस हद तक जाएंगे, हम सबूत मांगेंगे वाइस चांसलर साहब से। हम अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें वाइस चांसलर साहब से सबूत मांगेंगे कि आप हमें एंटी स्टेट और ड्रग डीलर्स के सबूत ला के दें कि आपने ये हम पे इल्ज़ाम लगाए, और अगर वो सबूत नहीं लाते हैं तो हम साइबर ब्रांच से रजू करेंगे कि उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है और उसमें हमें ड्रग डीलर कहा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम दाऊद बलोच है, मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ। हमारा मुतालिबा सिर्फ सिंपल से मुतालिबा है कि हमारा हॉस्टल 20 दिनों से बंद हो रहा है, और हमारा हॉस्टल 20 दिनों से बंद है, सील है, और हम स्टूडेंट को बुलाया भी किया है ख़ुद इंतज़ामिया की तरफ से। स्टूडेंट को इधर कोयटा में रहने के लिए जगह नहीं है, स्टूडेंट पेरिफेरल बाकी प्रोविंस आज़ाद कश्मीर बाकी बाहर से हैं, तो जितने स्टूडेंट्स हैं उनको जगह नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने ये कैंप लगाई है। हमारा सिर्फ सिंपल मौसम मुतालबा है कि हमारा जो हॉस्टल है वो खोल दिया जाए, उसके बाद अगर एक महीना लगता है, 15 दिन लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, अलाटमेंट कर दें। स्टूडेंट और टीचर का मसला है इसका, लेकिन उन लोगों ने अपने इनाप इस बात को अपने इनाप पे ला के उन लोगों ने हॉस्टल को सील किया है और स्टूडेंट को इधर रोडों पे ख्वार किया है। अगर ये दावा, जो बंदा ये दावा करता है कि स्टूडेंट और टीचर के दरमियान एक वालिद और बेटे का रिश्ता होता है, तो वो वीसी साहब और उसका इंतज़ामिया कम अज़ कम ना करे कि वो इस बात के मुखालिफ गए हैं। वो यहाँ से गुजरते हैं, वो इनका पूछते नहीं हैं, वो इधर स्टूडेंट्स थ्रेट करते हैं, स्टूडेंट्स को साल ज़ाया होने की धमकियाँ देते हैं, स्टूडेंट्स को नंबरों की धमकियाँ देते हैं, फ़ीमेल को अरेस्टमेंट की जाती है, फ़ीमेल को अरेस्ट करने की धमकियाँ दी जाती हैं, फ़ीमेल्स को थाना ले जाने की धमकियाँ दी जाती हैं।
वो भी मेल जो पुलिस वाले होते हैं उनको ये अलाउ किया जाता है कि फीमेल को भी मार दिया जाए, मारा जाए, थप्पड़ मारा जाए। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इस गेट से, जो कॉलेज गेट है, इसमें हमारे मेल्स जो स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पे अलाउ नहीं है। वो भी लोकल जो बलूचिस्तानी है, बाकी जितने हैं उनको अलाउ है। क्या ये जो इदारा है, जो यूनिवर्सिटी है, वो इन स्टूडेंट्स का नहीं है? क्या ये इदारा यहाँ के बलूचिस्तानियों का नहीं है? क्या ये इदारा बलूचिस्तान में नहीं है? क्या किस लिए ये यहाँ के स्टूडेंट को नहीं ले जा रहे, नहीं जाने दे रहे? वो भी स्टूडेंट जिनका काम हो, अंदर किसी से मिलना हो, कोई भी काम हो, उसको नहीं छोड़ते हैं। इसके अलावा हमारे स्टूडेंट्स के कपड़े तक, हमारे डॉक्यूमेंट्स सब कुछ सील है। अभी हम स्टूडेंट्स कहाँ जाए? हमारे बुक्स सारे बंद है, हमारे हर चीज़ बंद है, हम स्टूडेंट्स कहाँ जाए? अगर मुतालबा तस्लीम नहीं होते तो नेक्स्ट स्टेप क्या? हाँ, अगर मुतालबात हमारे तस्लीम नहीं होती, हमें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला है, वो हमें यकीनदानी करते आ रहे हैं कि हम जो है ना आप लोगों का मसला हल करेंगे। अगर खुदा न खास्ता, क्योंकि वीसी जो अपने आठ दरमी पे आए हैं, अपने इनाब पे आए हैं, अगर वो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की बात नहीं मानते हैं, अगर वो लचक पैदा नहीं करते हैं, स्टूडेंट की बात नहीं मानते, तो हमारे स्टूडेंट के पास ऑप्शन है जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है, वो जो है ना उसमें हमें प्रोटेस्ट के हक है। हम वो अपने प्रोटेस्ट करेंगे, हम गेट भी बंद करेंगे, हम बरूरी रोड भी बंद करेंगे, जो कि आवाम के लिए तकलीफ़ होगा, जो कि पेशेंट के लिए तकलीफ़ होगा, सब के लिए तकलीफ़ होगा। तो इस वजह से हमारा ये गवर्नर ऑफ बलूचिस्तान सयाम बलूचिस्तान सबसे हमारा दरख्वास्त है कि वो जल्द अज़ जल्द इस चीज़ का नोटिस लेके हमारा मसला हल कर दे।